हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज का वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है, क्योंकि आज मैं फोन से क्रिएटिविटी शूट करने वाला हूँ। आपके पास जो भी फोन है आप उसी से कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, जो कैमरा है थोड़ा क्लीन कर लेना है। क्या होता है, अक्सर हमारा फोन पॉकेट में रखने के बाद कैमरा थोड़ा ब्लर जैसा हो जाता है, तो उसको क्लीन कर लेना है। और अगर आप स्किप करते हो जो मैं फोटो क्लिक करूंगा, उसका जो एडिटिंग होगा एक या दो स्टेप होगा, बस कुछ ही सेकंड की होगा, वो आप मिस कर जाओगे, जिससे आपका फोटो उतना अच्छा नहीं होगा। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हैं, जो हमारा क्रिएटिविटी शूट है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्रिएटिविटी फोटो होने वाला है, इसमें आपको करना क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक की जरूरत हो रहेगा जो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो मॉडल होने वाला है वो है आर्यन। एंड किस तरह से फोटो क्लिक करना है, वो फोन की जो डिस्प्ले है वो आपको साइड में शो करेगा। एंड जो मॉडल होगा वो थोड़ा दूर जाएगा, जाने के बाद जो रिएक्शन करेगा इस तरह से, एक कोल्ड ड्रिंक के ऊपर वाली जो ढक्कन है इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा। मॉडल कुछ इस तरह से पोज करेगा एंड कोल्ड ड्रिंक आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद ऐसे रखना है एंड मॉडल को आपको फोकस ले लेना है। फोकस लेने के बाद एक फोटो क्लिक करना है। करने के बाद आप देख सकते हो जो पेप्सी है वो ब्लर हो चुका है, तो इस पर फिर से फोकस लेना है। लेने के बाद आपको और एक फोटो क्लिक करना है, एक फोटो पिक्सल आर्ट पे शेयर करना है। करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो, के बाद जो कोल्ड ड्रिंक फोकस है वो फोटो आपको ऐड करना है। करने के बाद इसका ओपेसिटी कम करना है। करने के बाद एकदम इस कोल्ड ड्रिंक के साथ मैच करके इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसका ओपेसिटी 100 कर देना है। ऐड करने के बाद इस साइड जो इरेजर दिख रहा है, इरेजर पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको इधर इरेजर पर क्लिक करना है एंड हार्डनेस को 80 रखना है। रखने के बाद जो आपका मॉडल है उसको इस तरह से इरेज करके बाहर लेके आना है। ओके, तो हमारा जो नंबर टू होगा, इसमें आपको करना क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक से करने वाला हो, इसमें आपको बीच में क्या करना है, थोड़ा इस तरह से तोड़ लेना है, जैसे कि ऐसे कर लेना है। करने के बाद इसमें जो पॉज होगा, जैसे कि इस तरह से मुक्का मार रहा है एंड इसको इस तरह से रखना है। एंड आपका जो फोन होगा एकदम डाउन एंगल से इस तरह से रखना है। रखने के बाद आपको सेट कर लेना है, क्योंकि मॉडल को पता नहीं चलेगा कि किधर कोल्ड ड्रिंक की बटल है। तो अरे पॉज करो, तो इस तरह से आपको फोकस लेना है। लेने के बाद इसको थोड़ा और आगे देंगे इस तरह से, तो इधर आपको दो फोटो क्लिक करना है। पहले मॉडल को फोकस करूंगा। करने के बाद जो आपका फोन है आप देख सकते हो एकदम डाउन एंगल, तो एक फोटो ऐसे क्लिक करूंगा। करने के बाद फिर से पेप्सी पर फोकस करूंगा। करने के बाद ऐसे क्लिक करूंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पोज होगा, इसमें आपको एक मस्तिष्क की ज़रूरत है। इसको आपको रखना है एक जगह पर। रखने के बाद बस आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत है, जैसे कि इस तरह से आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, इस से फोकस करके एक बैकग्राउंड फ़ोटो क्लिक कर लेना है। करने के बाद जो मॉडल होगा वो कुछ इस तरीके से पोज करेगा, जैसे कि मस्तिष्क की जो बारूद है वो हाथ में लेके आ रहा है, इस तरह से हाथ में है एंड इस तरह से आपको फोकस करना है। करने के बाद एक फ़ोटो क्लिक करना है डाउन एंगल से। एंड जो मसल्स की जो कार्टी है जो आप देख सकते हो, इसको भी एक फोटो इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। तो इस फोटो को करना है पिक्सल आर्ट पे शेयर। पिक्सल आर्ट पे शेयर करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड उस फोटो को आपको पहले इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद इस तरह से आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस तरह से बराबर से सेट करना है। सेट करने के बाद आपको जाना है स्टिकर पर, जैसे कि इधर टैप करने के बाद स्टिकर पर जाना है। जाने के बाद आपको लिखना है शैडो। शैडो लिखने के बाद आपको इस टाइप की शैडो आ जाएगा एंड शैडो पर क्लिक करके इसको भी आपको एकदम बराबर से इस तरह से सेट कर देना है। करने के बाद नीचे के पार्ट जितना है वो उतना इरेज कर देना। फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फोटो क्लिक किया है इसको ले लेना है। लेने के बाद इसको इरेज कर देना है। इरेज पर क्लिक करना है एंड इसको बढ़िया से इरेज कर लेना है। इस तरह से हार्डनेस को पूरा कर दूंगा एंड इस तरह से इरेज कर लूंगा। तो इस तरह से इरेज करने के बाद आपको एकदम इसको बड़ा करके हैंड पे इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद फिर से आपको इरेजर पर क्लिक करना है। करने के बाद जिस जगह हैंड है उधर आपको ऐसे इरेज कर देना है। तो नेक्स्ट फोटो होगा, इसमें आपको एक फोन की जरूरत है जो आपके पास ही है एंड एक केबल। तो ये दोनों चीज से हम क्रिएटिव शूट करने वाले हैं। फोन की जो चार्जिंग पिन है इसको आपको इस तरह से सामने रखना है। रखने के बाद एंड आपको फ़ोन इस एंगल पे पकड़ना है, जैसे कि आप देख सकते हो जो पिन है एक क्लियर दिख रहा है एंड आपका हाथ दिखना नहीं चाहिए, ऐसे रखना है। रखने के बाद आपको फ़ोन ऐसे सेट करना है। रखने के बाद आपको फ़ोन ऐसे सेट करना है। अभी तीन हाथ की ज़रूरत था तो, और जो केबल है ये इस तरह से रखना है। रखने के बाद जो मॉडल होगा इस तरह से पॉज करेगा, जैसे कि केबल को दोनों हाथ से खींच के लेके आ रहा है। तो आपको पहले फ़ोन इस तरह से फोकस करना है। करने के बाद आपको केबल इस तरह से रखना है। रखने के बाद एक फ़ोटो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट फोटो होगा उसमें आपको मॉडल को इस तरह से फोकस करना है। करने के बाद और एक फ़ोटो
इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। तो ये बैकग्राउंड फोटो पिक्सआर्ट पे शेयर करना है और इसमें मैंने एक गलती कर दिया, मॉडल के सामने केबल रख दिया, केबल के बिना एक मॉडल की फोटो क्लिक करना है और उसको इस तरह से इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद इसको ठीक तरीके से इस तरह से सेट करना है। करने के बाद लेफ्ट साइड जो आपको इरेजर टूल दिख रहा है तो लेफ्ट साइड आपको इरेजर पर क्लिक, इरेजर पर जो हार्डनेस है वो अपने हिसाब से रखना है। रखने के बाद इस तरह से आपको इरेज करके जो केबल है वो बाहर लेके आना है एंड ठीक तरीके से आपको इरेज कर लेना है जल्दी जल्दी। इतना टाइम नहीं है, मैं फुल आपको इरेज करके दिखाऊँ। इरेज कंप्लीट करने के बाद आपको डन करना है। करने के बाद स्टिकर पर जाना है एंड जाने के बाद आपको शैडो फिर से ले लेना है। शैडो लिखोगे तो आ जाएगा और इसको सेट कर देना है एकदम बढ़िया से। सेट करके इसको थोड़ा लंबा मतलब साइड से थोड़ा खींच कर इस तरह से कर देना है जिससे आपका शूज दिखेगा नहीं और शैडो डालना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इधर जो शैडो के नीचे के जो पार्ट है ना इसको आपको क्रॉप कर देना है। तो सिंपल आपको क्रॉप पर जाकर क्रॉप कर देना है। तो ये थी हमारी कुछ फोन से क्रिएटिविटी प्रोसेस आइडियाज। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल में आज पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह और भी वीडियो बनाओ तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में।